बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, ये लेक्चर क्लास सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस का है। हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब दी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। आपने नुकसान और फ़ायदे बताने हैं। एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, सबसे पहला इसका एडवांटेज है डाटा शेयरिंग, डाटा को शेयर करना। के ट्रेडिशनल सिस्टम में आप डाटा को शेयर नहीं कर सकते थे, इसमें आप कर सकते हैं। कि डाटा एक सेंट्रल लोकेशन पे पड़ा हुआ होता है और मल्टीपल यूज़र्स जो हैं एट द सेम टाइम उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं। इन DBMS डेटा कैन बी शेयर्ड अमंग ऑथराइज्ड यूज़र्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी कंपनी के जो बाख्तियार यूज़र हैं वो डेटा को शेयर कर सकते हैं। द DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मैनेज द डेटा एंड गिव्स राइट्स टू यूज़र टू एक्सेस द डेटा। DBA डेटा को मैनेज करता है और यूज़र्स को राइट्स देता है कि आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। मैनी यूज़र्स कैन बी ऑथोराइज टू एक्सेस द सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सिमल्टेनियसली। कई यूज़र्स एक ही इंफॉर्मेशन को एट द सेम टाइम एक्सेस कर सकते हैं। सिमल्टेनियसली एट द सेम टाइम एक ही इंफॉर्मेशन को कई यूज़र्स जो ऑथराइज होंगे, जिनके पास एक्सेस राइट्स होंगे, जिनको जो है वो इख्तियार दिया गया होगा, वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। द रिमोट यूज़र्स जो हैं, जो कि कहीं दूसरी लोकेशंस पे बैठे हुए हैं, वो नेटवर्क के ज़रिए उसी सेम डाटा को शेयर कर सकते हैं। कैन ऑल्सो शेयर सेम डाटा। सिमिलरली द डाटा ऑफ सेम डाटा बेस कैन बी शेयर बिटवीन डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स। इसी तरह डाटा, उस सेम डाटा बेस का डाटा जो है वो कई डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी शेयर कर सकते हैं। डाटा इंडिपेंडेंस, इसमें एप्लीकेशन प्रोग्राम जो हैं वो डाटा बेस के स्ट्रक्चर से सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, इसको डाटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। द सेपरेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस फ्रॉम द एप्लीकेशन प्रोग्राम। एप्लीकेशन प्रोग्राम और डाटा स्ट्रक्चर का एक दूसरे से अलग होना डाटा इंडिपेंडेंस है, इज कॉल्ड डाटा इंडिपेंडेंस। इन DBMS डेटाबेस एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। डेटाबेस और एप्लीकेशन प्रोग्राम एक दूसरे से अलग हैं। द यूज़र्स कैन ईजिली चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस विदाउट मॉडिफाइंग द एप्लीकेशन प्रोग्राम। वो डेटाबेस के स्ट्रक्चर को आसानी से चेंज कर सकता है यूज़र एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को चेंज किए बगैर। फॉर एग्जांपल, यूज़र कैन मॉडिफाई द साइज ऑफ डाटा टाइप ऑफ ए डाटा आइटम्स फील्ड्स ऑफ ए डेटाबेस टेबल। ठीक है, अगर वो उसकी फील्ड चेंज करना चाह रहा है, किसी भी डाटा आइटम की उसकी टाइप चेंज कर रहा है, तो वो आसानी से कर सकता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम DBMS उसके दरमियान में होगा, क्योंकि एप्लीकेशन प्रोग्राम ने इंटरफेस देना है जिसके साथ यूज़र ने इंटरेक्ट करना है, और DBMS दरमियान में है जो कि डेटाबेस और एप्लीकेशन प्रोग्राम के दरमियान कनेक्टिविटी करेगा। इसका नेक्स्ट एडवांटेज है सपोर्ट कॉम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप्स। DBMS अलोज द यूज़र टू डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स, कि कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स को यूज़र जो है वो डिज़ाइन कर सकता है। इट एनेबल्स द यूज़र्स टू व्यू एंड एक्सेस डाटा इन डिफरेंट वेज। आप डाटा को डिफरेंट वेज में देख भी सकते हो और उसको एक्सेस भी कर सकते हो। डाटा सिक्योरिटी, डाटा सिक्योरिटी क्या होती है? डेटाबेस की प्रोटेक्शन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, कि कोई वो गैर अख्तियार एक्सेस जो है वो आपके डेटाबेस तक ना पहुंचे। आपने अपने डेटाबेस को प्रोटेक्ट करना है कि जो गैर मुतलका बंदा है वो आपके डेटाबेस को एक्सेस करके उसको चेंज ना करता फिरे।
DBMS provides several procedures to maintain data security. Only the authorized persons are allowed to access the database. सिर्फ authorized person होंगे जो कि database को access करेंगे, जिनके पास access rights होंगे. Most of the users are allowed to access a part of the database. For example, the data that is related to them are related to their departments. ठीक है, जिस जो user जिस डिपार्टमेंट से है उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड डाटा वो व्यू कर सकता है और एक्सेस कर सकता है. ये भी डेटाबेस की सिक्योरिटी है कि आप सारे का सारा डाटा किसी के हैंडओवर नहीं कर देते, बल्कि उससे रिलेटेड डेटाबेस का जितना पार्ट है सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है, उसी के एक्सेस राइट्स आप उसको असाइन करेंगे. सम यूज़र्स मे बी परमिटेड ओनली टू रिट्रीव डाटा, वेयर एज अदर्स आर अलाउड टू रिट्रीव एज वेल एज टू अपडेट डाटा. कुछ ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ डाटा को व्यू करना है, डाटा को एक्सेस करना है, और कुछ ऐसे होंगे जो कि अपडेट भी कर सकते हैं. ये उस कंपनी की में काम करने वाले यूज़र्स की डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग उनको एक्सेस राइट्स दिए जाते हैं. कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो उसने सिर्फ डाटा को एंटर करना है, वो उसको चेंज नहीं कर सकता डाटा को. ये जो हायर लेवल पे एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं उनके पास एक्सेस राइट्स होते हैं. The database access is controlled by the DBA. ये सारी एक्सेस कौन कंट्रोल करता है? DBA कंट्रोल करता है. डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो कि मोस्ट रिस्पॉन्सिबल पर्सन है डेटाबेस की मैनेजमेंट और मेंटेनेंस में, ही या शी क्रिएट्स द अकाउंट्स ऑफ यूजर्स एंड गिव्स राइट्स टू एक्सेस द डेटाबेस. टिपिकली यूजर्स आर गिवन यूजर नेम्स प्रोटेक्टेड बाय पासवर्ड्स. ठीक है, वो क्या करेगा, हर यूज़र का अकाउंट बनाएगा और उसके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उसको एक्सेस राइट्स देगा. और इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, यूज़र्स नेम और पासवर्ड्स के थ्रू. डेटाबेस बैकअप एंड रिकवरी, ये आपका फिफ्थ एडवांटेज है DBMS का. बैकअप क्या होता है, एडिशनल कॉपी ऑफ द डाटा. रिकवरी क्या होती है कि अगर किसी वजह से आपका डाटाबेस लॉस हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो आप बैकअप की मदद से उसको दोबारा रिकवर कर सकते हैं. मोस्ट ऑफ द DBMS प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ बैकअप एंड रिकवरी. बाय यूजिंग दिस फैसिलिटी यूजर्स कैन टेक द बैकअप ऑफ इम्पॉर्टेंट डाटा. द डाटा कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम बैकअप फाइल इफ द ओरिजिनल फाइल डाटा फाइल इज lost or damaged. Advanced capabilities. DBMS also provides advanced capabilities for online access. आप ऑनलाइन भी डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, एंड रिपोर्टिंग ऑफ डाटा थ्रू इंटरनेट. टुडे मोस्ट ऑफ द डाटाबेस सिस्टम्स और ऑनलाइन. आजकल तो सारे डाटाबेस सिस्टम ऑनलाइन होते हैं, ठीक है, वो फिजिकली कहीं और जगह पे पड़े हुए होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, लेकिन वो आपस में लॉजिकली लिंक्ड होते हैं, लॉजिकली रिलेटेड होते हैं. ठीक है, लॉजिकली इस तरह से कनेक्टेड होते हैं कि वो लगता है सिंगल एक लोकेशन पे पड़े हुए हैं. और यूज़र्स क्या करते हैं, मल्टीपल लोकेशंस से वहाँ से डाटा एक्सेस करते हैं एट द सेम टाइम. द डेटाबेस टेक्नोलॉजी इज़ यूज अलॉन्ग विद द इंटरनेट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस डाटा ऑन द वेब सर्वर्स. इंटरनेट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते ही, जैसे आप एग्जांपल ले लें वेब सर्वर्स, जिसमें सारी वेबसाइट्स पड़ी होती हैं और आप दुनिया के किसी भी कोने से उस वेब सर्वर को के साथ कनेक्ट होके उससे वेबसाइट्स का जो डाटा है वो सर्च कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं. ठीक है जी, ये तो थे उसके एडवांटेजेस ऑफ DBMS. अब हैं इसके डिसएडवांटेजेस ऑफ DBMS. इसमें आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है क्योंकि ये थोड़ा एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर है, इसकी मैनेजमेंट भी थोड़ी एक्सपेंसिव है. आपको इसके लिए टेक्निकल बंदे हायर करने पड़ते हैं. अगर आप वो किसी कंपनी को दे रहे हैं डेटाबेस बना के, तो फिर उसके जो एम्प्लॉयज़ होंगे, जो यूज़र्स होंगे, उनकी ट्रेनिंग की कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ती है. कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर.
A processor with high speed of data processing and memory of large size is required to run the DBMS software. कि आपको हाई स्पीड प्रोसेसर भी चाहिए और आपको लार्ज साइज की मेमोरी भी चाहिए अगर आपने DBMS सॉफ्टवेयर को रन करना है. DBMS सॉफ्टवेयर इज आल्सो वेरी कॉस्टली. कॉस्ट ऑफ डेटा कन्वर्जन, ठीक है, आप ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम को आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं डेटाबेस सिस्टम में, तो फिर उससे भी उस पर भी आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी. ये एक डिफ़िकल्ट और कॉस्टली मेथड है. व्हेन अ ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम इज़ रिप्लेस्ड विद द डेटाबेस सिस्टम, द डाटा स्टोर्ड इनटू डाटा फाइल मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू डेटाबेस फाइल. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड कॉस्टली मेथड टू कन्वर्ट डाटा ऑफ डाटा फाइल्स इनटू डेटाबेस. तो ये बड़ा कॉस्टली और डिफ़िकल्ट मेथड हो जाता है कि आपने डाटा फाइल्स के डाटा को कन्वर्ट करना है डेटाबेस में. नेक्स्ट है वही मैंने आपको बताया कि अब आपको स्टाफ की ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी, उसके लिए जो कंपनी कॉस्ट पेयर करेगी. कॉस्ट ऑफ स्टाफ ट्रेनिंग, मोस्ट DBMS आर ऑफन कॉम्प्लेक्स सिस्टम, इतने पेचीदा सिस्टम होते हैं, तो उसके लिए ट्रेनिंग मैंडेटरी हो जाती है. सो द ट्रेनिंग फॉर यूजर्स टू यूज़ द DBMS इज रिक्वायर्ड. ट्रेनिंग इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स इंक्लूडिंग प्रोग्रामिंग, एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन. हर लेवल पे चाहिए ट्रेनिंग, वो कोई भी लेवल हो, चाहे प्रोग्रामिंग हो, चाहे एप्लीकेशन डेवलपमेंट हो या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन हो. The organization has to pay a lot of amount for the training of staff to run the DBMS. तो DBMS को अगर चलाना है किसी भी organization ने, तो अपने staff को training के लिए उसको amount pay करनी पड़ेगी. Appointing technical staff, database administrator के बगैर तो database को manage करना बहुत मुश्किल है, इसलिए जो technical staff है उसको hire करना पड़ता है जो कि DBMS को चला सके. The trained technical persons such as database administrator and application programmers etc. are required to manage the DBMS. The organization has to pay a large amount of salaries to the technical staff. उस technical staff को salaries भी फिर उस company को bear करनी पड़ेंगी. Therefore the system cost increases. तो फिर overall सारे system की cost बढ़ जाएगी. Database damage, अगर डेटाबेस डैमेज हो जाता है तो फिर वो बहुत बड़ा लॉस होगा. इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑल डाटा इज इंटीग्रेटेड इनटू अ सिंगल डेटाबेस, कि सारा डाटा एक ही डेटाबेस में रखा गया होता है. इफ़ द डेटाबेस इज डैमेज ड्यू टू पावर फेलियर या डेटाबेस इज करप्टेड ऑन द स्टोरेज मीडिया, देन वैल्यूएबल डाटा मे बी लॉस्ट फॉर एवर. अगर डेटाबेस डैमेज हो जाता है किसी भी वजह से, डेटा करप्ट हो गया या बिजली के चले जाने से, तो फिर इतना कीमती डेटा हमेशा के लिए ज़ाया हो सकता है. नीड ऑफ डेटा डिक्शनरी, डेटा डिक्शनरी क्या होती है, जिसमें डेटा के बारे में डेटा स्टोर हुआ होता है, मेटा डेटा स्टोर हुआ होता है, उसको भी मेंटेन करना होता है. In DBMS, data dictionary is required to share data between application systems and for many other purposes. इसने data को share करना होता है, application programs को बताना होता है database के system में, क्योंकि database की definition से data dictionary में है. So data dictionary must be installed and the internal contents of the company's database must be documented in a consistent manner. कि कंपनीज का जो डेटाबेस है उसको डॉक्यूमेंट किया गया होता है डाटा डिक्शनरी में, तो उसको इंस्टॉल करना भी ज़रूरी है, ठीक है, उसको रखना मेंटेन करना भी ज़रूरी है. इट इज़ यूज़फुल टूल, बहुत अच्छा टूल है, बट इट इज़ आल्सो एक्सपेंसिव, ये महंगा भी है. ठीक है जी, ये आपके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो गए DBMS के.